तो यस, फाइनली हम आज शूट कर रहे हैं लकी बस बाजीगर की। और जैसे कि हमने बोला था कि वीडियो जल्दी आएंगी, चल झूठा। तो फिलहाल अभी आ ही जाएंगी। और हम अभी है राजूला, बस जाएंगे यहाँ से राजूला से मुंबई के लिए। तो हम यहाँ से एक ट्रिप स्टार्ट करते हैं अपने पिछले टाइम वीडियो के हिसाब से। तो ड्राइवर वही है अपने मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, क्या हाल है? हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब? सब ठीक है ना? सब बढ़िया। बराबर। और अपने वीडियो के हिसाब से, अपने अपन ने शॉर्ट वीडियो डाला था उसके हिसाब से अपन हाजिर है इधर, है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल। यार? तो आज की ट्रिप हमारी कहाँ से कहाँ तक रहेगी? आज की ट्रिप है अपनी राजूला से मुंबई। तो अभी बताओ बस, कौन सी है, कहाँ से कहाँ जाएंगी, मतलब कौन से रूट से जाएंगी? ये अभी यहाँ से निकलेगी, जाएगी यहाँ से, पिकअप होएगा तो पिकअप करेगी गाड़ी। 12 बजे का टाइम है, यहाँ से 12 बजे निकलेगी और पिकअप करके यहाँ से निकलेगी महुआ। राइट, महुआ से फिर पिकअप होएगी, फिर तलाजा पहुँचेगी आशापुरा होटल। वहाँ ठीक। मतलब वहाँ पे भी पैसेंजर रहते हैं और 10 मिनट का होल्ड रहता है जहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं 10 मिनट में। राइट फिर वहाँ से निकलती डायरेक्ट भावनगर। राइट। तो अभी यहाँ से अपन को निकलने का टाइमिंग क्या होगा? यहाँ से परफेक्ट 12 बजे निकल जाती है। परफेक्ट 12 बजे। फिर अपन मुंबई कितने बजे तक पहुँचेंगे? मुंबई ट्रैफिक के ऊपर है क्योंकि अभी बीच में बड़ौदा पोर के आसपास का के काफ़ी ट्रैफिक है, तो उसके से कुछ ट्रैफिक का बोल नहीं सकते। फिर भी मैक्सिमम पहुँचते पहुँचते 9:30 10, 9:30 10 बच सकते बच सकते अंदाज़ा। हैं। अगर राइट ट्रैफिक नहीं मिली तो जल्दी पहुँच जाएंगे, अगर ट्रैफिक मिली तो 9:30 10 के अंदर पहुँचेंगे। राइट। और ये स्टॉप कितने करेंगी? अब ये एक आशापुरा में होएगा, फिर उसके बाद भावनगर में 10-15 मिनट के लिए पैसेंजर के लिए रुकेगी, फिर उसके बाद डायरेक्ट तारापुर होटल में। राइट राइट। तो अभी क्या हाल चल रही है बस को चलाने में, आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है मीन्स? हाँ अभी चलो ठीक है, अभी हम बाद में आगे पूरी ट्रिप बात करेंगे। और मोहसिन भाई, क्या हाल चाल है मुंबई के, रस्ते वगैरह कैसे हैं? रास्ते है ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रास्ता भी, क्योंकि इधर एक्सप्रेस बन रहा है तो इसके लिए मतलब थोड़ा काम चालू है रोड का, तो हाँ कुछ रोड अच्छा मिलता है तो कुछ रोड खराब मिलता है, तो उसके लिए थोड़ा वो प्रॉब्लम होती है रोड के हिसाब से, लेकिन चल जाता है। चले आते हैं। राइट। और बाकी सब क्या चल रहा है बताओ? बस सब फर्स्ट क्लास है, सब ठीक है। आप लोग बताओ, आप लोग सब कैसे हो? मोहसिन भाई को सब कमेंट्स में बताओ अपने वीडियो के, और इंस्टा पे भी फॉलो करो, इंस्टा पे भी आईडी वगैरह सब है। इंस्टा पे रिप्लाई थोड़े लेट आएंगे क्योंकि आपको पता है, फिर से मोहसिन भाई बता दो यार, क्योंकि कभी गरीबी कभी बहुत छा गई है, मोबाइल काफी क्योंकि हैंग हो चुका है, यस इसके लिए अब तो बहुत मुश्किल ही हो गया है, नहीं के बराबर रिप्लाई देने के बराबर है। बराबर बराबर। बट ट्राई करते कि जितना जल्दी हो अपन रिप्लाई दे देते दे हैं। देंगे। तो अभी आगे की जर्नी हम मोहसिन भाई के साथ पूरी फुल मुंबई तक करेंगे, तो आप पूरी वीडियो कंटिन्यू देखते रहना। चलो तो बस का अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। तो अभी हम थोड़े आगे आ गए हैं और मोहसिन भाई भी ड्राइविंग पे है। मोहसिन भाई, ये बस में अपना हॉर्न म्यूजिक कैसे है? सब गाने वाले, सब सॉन्ग वाले? हाँ। तो टोटल कितने हैं पहले वो बताया जाए? सब है तो बहुत सारे, बहुत सारे बजाने जाएंगे तो सर में दर्द हो जाएगा। अरे बाप रे बाप। और पब्लिक भी चिल्लाएगी तो जो जो थोड़े बहुत जो फेमस है वो थोड़ा बहुत ट्यून सुना देंगे तुम्हारे को। ओके चलो फिर एक एक करके स्टार्ट हो जाओ थोड़ा। ये
ज्यादा फेमस हुआ था इनके मौसम में इस टाइम कुछ टाइम पहले। वाह ये ट्रक वाले ज्यादा यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ हॉर्न है काफी सारे, तो मेरे ख्याल से सभी बहुत अच्छे अच्छे है कि नहीं, खासकर वो धूम वाला। तो अभी देखते हैं, अभी आपने जैसे कमेंट्स किया कि हॉर्न के साथ चाहिए तो हॉर्न के साथ भी वीडियो आ गई है और रास्ते में भी काफ़ी हॉर्न बजाएंगे। जैसे ये तो खाली रास्ता था उसी वजह से हुआ, वरना तो फिर अपने मुंबई में इतने हॉर्न अलाउड है नहीं, बाकी रास्ते पे है तो अपन यूज़ कर सकते हैं। और कभी टाइम मिलेगा तो अपनी मोहसिन भाई, अभी अपने कमेंट्स भी आते कि मोहसिन भाई को बोले कि गाड़ी वगैरह कैसा चलाती, गाड़ी का ये जो मीटर वगैरह रहता है क्या सब रहता है, वो भी आप फ्री हो के कभी बताना। वो फिलहाल जब फ्री हो जाएंगे कभी गाड़ी पार्किंग वगैरह में होगी तो फिर हम बताएंगे मोहसिन भाई आपको सब डिटेल्स बताएंगे बस की, है कि नहीं भाई? हाँ ओके अमीर खोड़ा, हाँ बाकी बधाए ठांडा वांटा, बाकी बधाए ठांडा। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या थी लेवानो दे? अपने मोहसिन भाई हैदराबादी, अपने फिर महाराष्ट्र में मराठी हिंदी और गुजराती में गुजरात में गुजराती वगैरह। मोहसिन भाई कौन सा रूट है? ये काठियावाड़ा। तो कुछ ऐसी लैंग्वेज मोहसिन भाई, मेरे ख्याल से मोहसिन भाई अभी और कहीं अपन स्टेट में आएंगे तो उसी में लैंग्वेज हो जाएंगी। सीखना पड़ेगा। तमिलनाडु में गए तो तेलुगु। अरे बाप रे मोहसिन भाई, अभी ये बंद हुआ है तो चालू कब होगा? अभी ट्रेन आने के बाद ही होगी। अभी कितना टाइम लगेगा ऐसा अंदाजा है कि मेरे ख्याल से 15-20 मिनट आराम से आएगा। मोहसिन भाई अभी आप ड्राइविंग कब तक करोगे, यहाँ से लेके कहाँ तक करोगे? मैं अभी यहाँ से आशापुरा होटल तक कलाजा तक चलाऊँगा, उसके बाद मेरा पार्टनर आएंगे दिला भाई करके उनका नाम है, फिर वो चलाएंगे, फिर वो मतलब सूरत या वापी जैसा मतलब जहाँ उनको नींद लगी तो आप मुझे वो दे देंगे। अगर उसमें कोई ड्यूटी हमारी कोई फिक्स नहीं है, जहाँ अगर ऐसा नींद लगा तो हम लोग दे देंगे। तो अभी आपका यहाँ से अंदाज़ा कितना किलोमीटर होगा? अभी यहाँ से समझो कुछ है लगभग 50 किलोमीटर तक चलाने हैं हमें कभी का, उसके बाद में फिर दिला भाई बढ़ जाएंगे, दिला भाई सूरत या वापी या मानस बॉर्डर तक भी चला ले। तो फिर मेरे ख्याल से नाइट ड्राइविंग आपकी भी आएंगी और उनकी भी, दोनों की नाइट ड्राइविंग आने वाली है। नाइट ड्राइविंग मेरी आज ही आएगी, लेकिन 70% उनकी आएगी और 30% मेरी आएगी। अच्छा ऐसा है, तो मुंबई में लास्ट ड्राइविंग आपकी होगी? हाँ लास्ट ड्राइविंग मेरी होगी। ठीक है, और आप फिर मुंबई में पूरा पार्किंग जाने वाले हो या फिर पूरा वहाँ सेंटर तक जाना है? बस का लास्ट स्टॉप किधर है? महालक्ष्मी ना। ओके चलो फिर देखते हैं। और ये बस की स्पीड अपन कहाँ तक स्पीड ऐसा खींच सकते हैं? नॉर्मल 70-75 लास्ट 80 तक। और अभी इस टाइम मैं सुना कि अपने गुजरात हाईवे में जो अपना रूल आ गया है जो थर्ड लाइन रहता है फर्स्ट सेकंड लाइन वाला, अपन जब हैदराबाद गए थे तो उस टाइम पे जो रस्ते में आया था वो कौन सा हाईवे था? वो पूना एक्सप्रेस हाईवे। पूना एक्सप्रेस हाईवे हाँ, जहाँ वहाँ के रूल के हिसाब से गुजरात में भी लागू हो चुका है, लेकिन गुजरात के अंदर जो आपको सेकंड पट्टा दिया हुआ है बस के लिए, अगर आप राइट पे जाओगे तो आपको 1000 रुपये का फाइन है। पट्टे में चलोगे सेकंड पट्टे में उसमें कोई फाइन वगैरह नहीं है। तो इधर भी रूल्स निकल गया है और रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, वरना फाइन पड़ेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल सेफ्टी के हिसाब से भी जरूरी है, सेफ्टी के हिसाब से भी है और बड़ी गाड़ी के हिसाब से सेकंड पट्टा दिया हुआ है। और बारिश के मौसम में चलाने के लिए कोई दिक्कत वगैरह? ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारिश में ज़्यादातर के घाई करके नहीं चलाना है और आराम से चलाना है, ये बारिश के पानी का कोई भरोसा नहीं है। रास्ता सही होता है। तो मौसम भाई अभी ट्रेन तो आ गई, अभी ट्रेन के बाद फाटक खुलेगा फिर उसके बाद अपन जाएंगे। मोमेंट्स लेटर मोमेंट्स लेटर तो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद अभी ट्रेन गई और अभी फाटक अभी स्टार्ट होगा।
finally. अभी टाइम हुआ है 1 बजे है और 1 बजे 1 घंटा हो गया, बट हम अभी ज़्यादा आगे नहीं आए। मोहसिन भाई अभी यहाँ पे कितना वेटिंग है? बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट है, क्योंकि गाड़ी के पिकअप मैन आ रहे थे तो वो आगे से भी वो पिकअप करते करते नहीं है। गाँव का नाम तेरा नाम बोल दे। नवाज और नवाज के साथ अरमान भाई, दोनों भाई भाई है। मासी का लड़का है। साथ, तो भाई ना था। अभी आप किधर ही आ रहे हो? अब तलाजा। राजूला कैसे आए? राजूला क्यों आए? आटा घूमने के लिए। घूम लिया अभी फिर से घर। मोहसिन भाई अभी का ये अपने चाचा का नाम क्या है? कंडक्टर का चाचा का अभी मोहसिन भाई भी अभी नए नए आए बस में। गांव का नाम है, चाचा को मैदान में लाया जाए। सात जना हुआ है गांव का नाम नहीं, और चाचा का नाम ये बस के कंडक्टर का नाम बताए है तो चाचा है यार नहीं पता यार, अभी चाचा से पूछ लेते। चाचा किधर है? चाचा ये बस के कंडक्टर। चाचा आपका नाम तो पहले बताओ। नाम अमीर खोड़ा, बाकी बताए दुनिया है अमीर खोड़ा। जीव तो डरू नहीं, डरू तो जीव नहीं। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। जीव तो डरू नहीं, डरू तो जीव नहीं। नाम नाम फिर से नाम बताओ। अमीर खोड़ा, बाकी दुनिया आखी बदी जोड़ा। डायलॉग। आप किधर रहते हो? इधर सावरकुंडला में रहता हूँ। थी लावली मागे पावली, मागे पावली ई नावली। तो ये है बस का कुछ इंटीरियर और अंदर का सीन ये है, और मैं बताता हूँ ये सिंगल सीट और नीचे की डबल, ये ऊपर की डबल। तो इसका शॉट जो है रात को काफ़ी अच्छा आने वाला है, क्योंकि अंदर की जो डिज़ाइन वगैरह है, लाइटिंग वगैरह, फ़िलहाल तो दिन में अभी बंद है तो अपन रात को देखेंगे। इसमें आपको चार्जिंग पॉइंट वगैरह, आजकल तो सब में चार्जिंग वगैरह तो सब आ ही जाता है। अच्छी बात यह है कि बैक साइड पे जो ये गद्दा है वो भी बैठने के लिए कम्फर्टेबल होता है। पर्दा और लाइट वगैरह सब लगी हुई है। तो अभी बारिश हो रही है स्लो। मौसम में बारिश स्टार्ट हो गई, हो गया है गीला। काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही है और बारिश में मोहसिन भाई ड्राइविंग कर रहे हैं। रास्ता काफ़ी गीला हो गया है, गीला है यानी पूरा पानी हो गया है। अब वीडियो में क्या पता इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। Okay.
तो अभी होल्ड आया है तलाजा, तो 5-10 मिनट जाओ जय आओ जोगे। तो मोहसिन भाई अभी कब तक रुकेंगे इधर? 10 मिनट बस। 10 मिनट के लिए निकल आइए। क्या जाओ? बारिश के टाइम पे पूरा पानी पानी हो गया। क्या बोलते भाई? हैं? कुछ नहीं, नाश्ता पानी हो गया, बाकी अब बाकी है थोड़ा। चलो फिर नाश्ता पानी कर लेते हैं। चाचा क्या कर रहे हो? टायर चेक कर रहे हो? पंचर पंचर है कि नहीं? पंचर पंचर है कि नहीं? अपनी गाड़ी में नहीं होता है कि? तो अभी हम भावनगर में हैं और यहाँ से जाने की तैयारी है, और यहाँ से आगे से ही चला रहे थे अपने दिला भाई। दिला भाई अभी अपन अभी यहाँ से आप ड्राइविंग करोगे? बराबर बराबर अभी करोगे? अभी कितने कहाँ तक आप ड्राइविंग करोगे फिर? वहाँ से करोगे सूरत तक। सूरत के आस पास से? ठीक है। और अपन को मुंबई पहुँचने में कितना टाइम लगेगा आपके अंदाजे से? हाँ सर, सुबह में 7-8 बजे पहुँच जाता हूँ। 7-8 बजे वैसे पहुँच जाते हैं। ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो? ट्रैफिक नहीं मिल रहा तो वही ट्रैफिक मिला तो फिर थोड़ा लेट हो जाएगा। ऐसा ठीक है। चलो अभी हाल चाल मुंबई का क्या है? ट्रैफिक में रहता है अभी? हाँ ट्रैफिक रहता है, परगन का रहता है ना, कबीरपुर वाला, और इधर गौड़ बंदर का रहता है।
अभी कुछ टाइम हुआ है 7:30 और ड्राइविंग चल रही है बाहर, और अंदर का सीन कुछ ऐसा है। कलर चेंज हो रहे हैं काफ़ी, अंदर की लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, और तो ड्राइविंग चल रही है। शाम का टाइम ख़त्म होने आया है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। तो अभी हम होटल पे आ गए हैं, खाली गिला भाई कौन सा ही लगा है ये तारा को चलो अब हम होटल में आ गए हैं भाई, बराबर है बस के पीछे की हालत देखो। तो होटल में कुछ बस खड़ी है, एकता बस, और साथ में अपनी भी है बाजीगर। तो अभी होल्ड का टाइम हो गया है ख़त्म, और यहाँ पे 20 मिनट रुकने के बाद अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। और अभी फ़िलहाल मैं जो ड्राइवर है वो अपने मोहसिन भाई है, दिला भाई की ड्राइविंग इधर से ख़त्म होती है, और अभी यहाँ से मोहसिन भाई ड्राइविंग करेंगे। चलो तो अभी हम चलते हैं, और ये अंदर की लाइट्स है जो नाइट के टाइम चालू होती है, काफ़ी अलग अलग लाइट्स है। रात के बजे है 12, और अभी स्टिल अभी भी मोहसिन भाई की ड्राइविंग चल रही है। Thank you.
से मोहसिन भाई की ड्राइविंग होती है ख़त्म, वापिस अभी दिला भाई यहाँ से ड्राइविंग करेंगे। तो अभी आगे की ड्राइविंग अपन दिला भाई की देखेंगे। क्या बोलते मोहसिन भाई, अभी कुछ बोलना चाहोगे? अभी सोने गए। ठीक है, फिर अभी यहाँ से दिला भाई मुंबई पार्किंग तक पूरा लेंगे ना? नहीं, बोरेली तक लेंगे। बोरेवली तक लेंगे, फिर बोरेवली से आप वापस ले गए ऐसे। दिला भाई फॉर्म क्या थे? फॉर्म सुबह के 6 बजे है और उजाला आ गया है। अभी हम बॉर्डर के काफ़ी आगे आ चुके हैं, कहाँ आए वो नहीं पता मुझे। दिला भाई की ड्राइविंग चालू है। तो अभी हम बोरीवली नेशनल पार्क आ गए हैं और अभी टाइम हुआ है 8, परफेक्ट 8 बजे है। और यहाँ से अभी दिला भाई ने ड्राइविंग छोड़ दी, अब करेंगे यहाँ से मोहसिन भाई मुंबई पार्किंग तक ये बस की। तो अब यहाँ से दिला भाई अपने घर जाएंगे और चलाएंगे मोहसिन भाई। तो अभी हम बांद्रा आ गए हैं और मोहसिन भाई को यहाँ से अलविदा करने का टाइम आ गया। मोहसिन भाई क्या बोलते हो, अभी ट्रिप कैसी रही है वाली, आपके ख्याल से क्या लगता है? ठीक है, मेरे ख्याल से मज़ा आएगी, लोगों को वीडियो देखने काफ़ी मज़ा आएगी क्योंकि हॉर्न लाइट्स वगैरह स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी थी इस टाइम ड्राइव। तो अभी अपन नेक्स्ट ट्रिप भी जल्दी करेंगे जी। मोहसिन भाई तो अभी आप यहाँ से फिर पार्किंग में जाओगे, फिर घर जाने का टाइम मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं, और वहाँ से डायरेक्ट 1 घंटा मेरे ख्याल से आपको फिर 1 ही घंटा आपके हाथ में रहेगा ना, फिर यहाँ से फिर डायरेक्ट रिटर्न जाके कहाँ तक खींचना है आपको? फिर अभी वहाँ से यू टर्न मार के डायरेक्ट सूरत तक चलाना है। दिला भाई जो अभी गए हो फिर से बोरेवली से पिकअप करेंगे वो? नहीं, हाँ उनको बोरेवली से पिकअप करूँगा, फिर वो सूरत तक सो जाएंगे, सूरत के बाद से बैठेंगे तो डायरेक्ट तलाजा तक चलाएंगे। जैसे कि अपने सब फ्रेंड्स कमेंट्स करते उसके हिसाब से वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, बराबर ना, लेकिन हॉट ट्रैवल्स की नहीं कर सकते हम। नहीं कर सकते, हाँ बराबर है। तो देखते हैं आगे और आप कमेंट्स में बताओ कि वीडियो के अंदर और क्या क्या आपको चाहिए, उस हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे पूरी से पूरी। तो आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही है, तो बस देखते हैं।